आई एम कुंदन जॉबे, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्टिमस मेडिकल इंस्टीट्यूट पटना। दो तीन पॉइंट मैं आपसे बात करना चाहूँगा। अभी क्या है कि लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिना हताश हुए, बिना निराश हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। और अभी मैं स्पेशली 11 टू 12 गोइंग के लिए ही वीडियोस बना रहा हूँ, उसमें 12th के चैप्टर में कवर कर रहा हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जो भी सीरियसली हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, कि आप अभी 11th को पे ज़्यादा फोकस करें। मैं पिछली वीडियो में ये बात बोला था, 11th पे ज़्यादा फोकस करेंगे, 11th को आप अच्छा करो पहले। 11th जितना अच्छा होता है ना, 12th ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। 12th अच्छा करने के टेंशन में ना रहो, इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करो कि सिलेबस कब कंप्लीट होगा। सिलेबस यदि कुछ लेट से एग्जामिनेशन को कंडक्ट रहेगी तो ये सब डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। अभी आपको करना क्या है, अभी आपके लिए काम क्या है, अभी आपके क्या कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले तो घर में रहो। और घर में रहो तो सबसे ज़्यादा फायदा इस लॉकडाउन का किसी को मिलेगा ना, तो वो स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। आप अपनी सेल्फ स्टडी बढ़ा सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। अभी ये बंदिश नहीं है कि आपको 4 से 8 का क्लास करना है, आपको सुबह की क्लासेस करनी है। आप सुबह में भी कभी भी यदि जब भी आपको लगे कि मुझे लेक्चर पे काम कर लेना चाहिए, तो एक फिक्स रूटीन बना लो कि हमें इस समय लेक्चर पे काम कर लेना है। और लेक्चर को एक बार देख करके, एक बार उसके प्रॉपर नोट्स बना करके, और फिर आप कभी भी उसकी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, उसका रिवीजन कर सकते हैं। अभी तो धीरे धीरे होमवर्क भी मिलना शुरू होगा 12th पे, तो 12th के साथ साथ भी 11th को आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। इस लॉकडाउन की जो भी छुट्टियां हैं, लॉकडाउन में जितने भी आपको ड्यूरेशंस मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए हम आते हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिकली थर्ड लेक्चर है। इस थर्ड लेक्चर में, पहला लेक्चर तो जो था वो लाइट और साउंड का कुछ प्रॉब्लम था, तो सेकंड लेक्चर में हमने 100% वही फर्स्ट लेक्चर को ही दिया है और थोड़ा सा आगे बढ़ाया था, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग को आपको पढ़ाया था। उसमें कुछ ऐसी भी बातें की थी जिसका बिना रीज़न बताया आपको मैंने एज एन इन्फॉर्मेशन वो बातें लिखा दिया था, बोल दिया था। तो उन सब का रीज़न 3-4 लेक्चर में आपको मिल जाएगा, रीज़न के साथ। जैसे निगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ही क्यों मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज हाई से लो की तरफ क्यों जाता है, इन सारी बातों का ब्रीफली मैं वहाँ पे डिस्कस कर दूंगा जब ये पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। अभी क्या है कि सबसे पहले रिवीजन देखेंगे प्रीवियस लेक्चर का। हो सकता है कि कोई प्रीवियस लेक्चर ना देखा हो, डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहा हो, तो उसके लिए मैं छोटा सा रिवीजन देना चाहूँगा। देखो, मैंने बताया था व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज किसी भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल ही इसको मानो। जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट को या तो एक्सपीरियंस करता है या फिर प्रोड्यूस करता है, कोई भी मैटर इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट को या तो एक्सपीरियंस करता है या प्रोड्यूस करता है अपनी किस प्रॉपर्टी की वजह से, तो चार्ज की वजह से। ओके, चार्ज पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। चार्ज के हिसाब से 3 तरीके की बॉडी होती है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, निगेटिवली चार्ज बॉडी एंड न्यूट्रल बॉडी। जो मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पे होता है। बोला जाता है कि चार्ज जो है वो मैटर के साथ एसोसिएटेड होता है, मास के साथ एसोसिएटेड होता है। वो एनर्जी नहीं है कि कहीं भी एग्जिस्ट करेगा, वो जब भी होगा एक मैटर के साथ होगा, एक पार्टिकल के साथ होगा। और जिस पार्टिकल के साथ कुछ चार्ज होता है उसको चार्ज कैरियर पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। अब चार्ज कैरियर पार्टिकल में सबसे स्मॉलेस्ट, एक ऐसा चार्ज कैरियर पार्टिकल जिसपे सबसे मिनिमम अमाउंट, कम से कम अमाउंट ऑफ चार्ज रहता है, वो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। लेकिन उसमें मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होता है और उस यही कारण है कि वो इजिली ट्रांसफरेबल होता है। उसे ट्रांसफ़र करके हम किसी बॉडी पे रख सकते हैं या किसी भी बॉडी से किसी मैटर से इलेक्ट्रॉन को इजिली हटा सकते हैं। तो या तो इलेक्ट्रॉन दोगे या फिर इलेक्ट्रॉन लोगे किसी भी बॉडी, अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए। तो यदि आप इलेक्ट्रॉन देते हैं तो निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और यदि आप इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो 3, 4, 5 कितने भी बॉडीज ले लो, यदि उसका इनिशियल मास सेम है और उसके बाद किसी को पॉजिटिवली चार्ज बनाओ और किसी को निगेटिवली चार्ज बनाओ, तो जितने भी निगेटिवली चार्ज बॉडी होंगे उनका मास कंपेरेटिवली पॉजिटिवली बॉडी से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन दिया गया है। एक इलेक्ट्रॉन देने से उस बॉडी को आप कितना चार्ज देते हैं, 9.1 × 10⁻³⁻¹ kg। आपको पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 9.1 × 10⁻³⁻ kg। ओके, तो और हम पढ़े थे कि चार्ज इनवेरिएंट होता है।
चार्ज इनवेरिएंट होने का मतलब है कि वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, स्पीड को बदलने से चार्ज का अमाउंट नहीं बदलता है। मास क्या था? वेरिएंट था। लेंथ क्या था? वेरिएंट था, क्योंकि वो स्पीड बदलने से मास भी बदलता है और लेंथ भी बदलता है। ओके फिर हमने बताया था कि चार्ज कंजर्व होता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इंडिविजुअल चार्ज ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। यही कारण है कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है, इंडिविजुअल चार्ज कंजर्व होता है। हाँ, पेयर में मैंने बताया था कि पेयर में बना भी रहे थे और डिस्ट्रॉय भी कर रहे थे, उसके लिए हमने जो प्रोसेस का नाम लिया था पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन। तो पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन में क्या था ना कि चार्जेस चार्ज पार्टिकल्स को चार्जेस को पेयर में हम डिस्ट्रॉय भी कर ले रहे थे और बना भी रहे थे। उस रिएक्शन को देखोगे तो साफ साफ आपको फील आएगा कि यहाँ पे पेयर में हम चार्ज पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, चार्जेस को डिस्ट्रॉय भी कर दे रहे हैं और उसको जनरेट भी कर ले रहे हैं। लेकिन उसमें भी नेट चार्ज देखोगे तो क्या था, शुरू में भी जीरो था और बाद में भी जीरो था, मतलब अपने नेट चार्ज डेवलप नहीं किया है। तो नेट चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही कारण है कि बोल सकते हैं कि चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। परफेक्ट है। ओके फिर हमने चार्ज से रिलेटेड आपको ये बताया था कि वो स्केलर होता है, उसका CGS यूनिट स्टैट कूलम होता है, ESU, एक EMU बताया था, एक कूलम में 3×10⁻¹ ESU बता दिया था। तो ऐसे बेसिक्स हमने आपको बता रखे हैं बहुत सारे, और हमने प्रोसेस ऑफ चार्जिंग भी बताया था कि रबिंग होता है। रबिंग में कुछ मैं और पॉइंट आपको बता दूं, रबिंग में जैसे एक बार ये प्रैक्टिकली मेरे साथ हुआ था, एक फैकल्टी थे वो बहुत देर से कार चला के आ रहे थे, तो जैसे ही वो अपने निकले तो जैसे ही हाथ हमने मिलाया तो चार्ज कुछ करंट लगा, तो करंट लगने का कारण क्या था कि रबिंग की वजह से चार्ज डेवलप हुआ था। और चार्ज जा करके, आपको मैं एक बात बता दूं दोस्त, चार्ज उस पॉइंट पे ज़्यादा टिकता है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होने का मतलब है वो शार्प पॉइंट है, शार्प पॉइंट, जैसे कोई भी कर्व्ड सरफेस, ये कर्व सरफेस है कुछ भी ऐसे ले लो, इसका कोई भी छोटा पार्ट लोगे तो ये किसी न किसी बड़े सर्कल का एक छोटा सा पार्ट होता है। यहाँ पर एक छोटा पार्ट ले लो, ये भी किसी बड़े सर्कल का एक छोटा सा पार्ट होगा। यहाँ पर ले लो, ये भी किसी एक बड़े सर्कल का छोटा सा पार्ट होगा। तो कोई एक शार्प ऐसे ले लेता हूँ मैं, और ये फ्लैट सरफेस है, कंपेरेटिवली फ्लैट है ये, और ये कंपेरेटिवली शार्प है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट लेकर के पेरेंट सर्कल बनाना चाहोगे, सर्कल छोटा बनेगा। इसके लिए पेरेंट सर्कल बनाना चाहोगे, पेरेंट सर्कल कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, बुकिश टर्म नहीं है, मैं समझाने के लिए पॉइंट्स को अपने से इंट्रोड्यूस कर दिया हमने। तो इसका रेडियस छोटा है और इसका रेडियस क्या है, बड़ा है। तो फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, और जो कर्व ये हाईली कर्व्ड शार्प सरफेस है, हाईली कर्व्ड सरफेस है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपसे बोलूँगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका होगा, तो इन उंगलियों के सिरों का होगा, इन फ्रंट्स का होगा, ठीक है। तो जो भी चार्ज डेवलप होगा वो जाके यहीं पे टिकेगा, जो भी रबिंग की वजह से चार्ज डेवलप होगा उसका ऑलमोस्ट पार्ट यहीं पे जाके टिकेगा, और जैसे ही हाथ मिलाओगे उसमें ट्रांसफ़र कर जाएगा, ट्रांसफ़र होगा तो फिर वहीं करंट फील होता है। तो रबिंग की वजह से चार्ज ट्रांसफरिंग का ये बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ओके रबिंग बता दिया, रबिंग में हमने वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बताया था, उसको आपको याद नहीं रखना है, दो तीन बार आप रिवीजन करोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसका बहुतों बार रिवीजन करोगे, यदि आप सीरियसली पढ़ेंगे तो 12th का लास्ट लेक्चर तक इसका रिवीजन चलते रहता है, तो आपको ऑटोमेटिकली उसके कुछ टर्म्स याद हो जाएंगे। और फेमस फेमस ही हमने आपको लिखाया है, तो उसमें ऊपर और नीचे हमने बता दिया था कि ऊपर में जो भी है वो नीचे वाले किसी भी सब्सटेंस यदि रब किया जाए तो ऊपर वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और नीचे वाले पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये वर्क फंक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो जिसका वर्क फंक्शन कम है वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देता है ना, और इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा तो पॉजिटिवली चार्ज आएगा। ओके फिर हमने आपको कंडक्शन के बारे में बताया था, एक फॉर्मूला बता दिया था, उसको कैपेसिटर के समय भी एक बार रिकॉल करेंगे, कैपेसिटर में भी उसको एक बार प्रूफ करेंगे उस चीज़ को। फिर हमने आपको इंडक्शन के बारे में बताया था, उसमें हमने दो प्रैक्टिकल लेकर के बता दिया था, दो प्रोसेस बताया था डिफरेंट की, देखो एक में अर्थिंग का यूज करके, एक में अर्थिंग का बिना यूज किए हम लोग इंडक्शन से, प्रीवियस लेक्चर देखेंगे आप तो उसमें इंडक्शन से चार्जिंग के प्रोसेस को अच्छे से समझाया गया है। तो रिविज़न ख़त्म करने के बाद अब हम लोग एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, और उस टॉपिक का नाम होगा कूलम्स लॉ, ठीक है। आज बड़ी खुशी की बात है, आज बड़ा खुशी का दिन है कि आज कूलम्स लॉ स्टार्ट होने वाला है, ठीक।
ठीक है, तुमको क्या लगा था समोसा बटेगा? कोरोना में समोसा देखे कितने दिन हो गए, शायद तुम लोगों को दिखता होगा, मुझे तो दिखे उसका सगली, वो प्राचीन ज़माने की बात होगी, प्राचीन काल में हम लोग समोसा खाते थे। ओके ठीक है, कुलम्स लॉ, आप लोग अपने नोटबुक में हेडिंग लगाओगे कुलम्स लॉ, सी लॉ भी इसको बोलते हैं, सी लॉ और जी लॉ पढ़ना है, कुलम्स लॉ और गॉस लॉ। इस चैप्टर में कुलम्स लॉ के इर्द गिर्द ये चैप्टर घूमेगा, लंबे समय तक घूमेगा, उसके बाद फिर गॉस लॉ की बारी आएगी, फिर गॉस लॉ से कुलम्स लॉ को प्रूफ किया जाएगा, फिर कुलम्स लॉ से गॉस लॉ को भी उस समय प्रूफ करेंगे। ओके ठीक है, कुलम्स लॉ, देखो भाई कुलम्ब ने अपने जीवन में दो लॉ दिया, इसका फर्स्ट लॉ है कि दो पॉइंट चार्जेस हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, और वो जो फोर्स होता है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, जैसे यहाँ कोई पॉइंट चार्ज है और यहाँ भी कोई पॉइंट चार्ज है, तो इन दोनों पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो दोनों को मिलाने वाले लाइन के अलोंग होगा, ठीक है, और यदि लाइक चार्ज होगा, लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके तो आप फर्स्ट लॉ लिख करके लिखो, मैं लिखा रहा हूं, अकॉर्डिंग टू कुलम्स फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू कुलम्स फर्स्ट लॉ, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, एक्ट अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, उसी में लिखना, लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके देखो बच्चा, जैसे यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट चार्ज है ना, ये यहाँ भी पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव ही है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट होता है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होता है, और ये लाइक चार्ज है तो रिपल्सन होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, तो जो दोनों पे लगने वाला फोर्स है एक दूसरे की वजह से वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा, और चूंकि नेचर यहाँ पर सेम है, लाइक चार्जेज हैं, तो इनके बीच में रिपल्सन होगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, लेकिन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हुआ, जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट चार्ज है और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा, यदि ये लाइक होगा तो रिपल्सन होगा, यदि ये अनलाइक होगा तो अट्रैक्शन होगा, पक्का? ओके फेवरेट हो जाएगा ये आपका, निश्चिंत रहो, अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इस डायग्राम को आप लिखेंगे, है ना। कुलम सेकेंड लॉ, देखो कुलम सेकेंड लॉ इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, सेकेंड लॉ में लिखो कुलम सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू ऐसे लिखो सेकेंड लॉ में, दिस लॉ गिव्स फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और कुलम्बियन फोर्स IAN है ना, कुलम्बियन फोर्स, इसी को कुलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, कुलम्बियन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। देखो कैसे ये जो फॉर्मूला है ना, ये एक्सपेरिमेंटली आया, इसका मैथमेटिकल एविडेंस नहीं है, इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है दोस्त। फिजिक्स में दो तरीके की बातें होती हैं, एक कुछ ऐसे फॉर्मूले भी होते हैं जिनको मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ कर देते हैं, LHS RHS के बराबर हो जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है उस चीज़ को जानने के लिए, उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए।
तो देखो इन्होंने किया क्या, दो पॉइंट चार्ज लिया, अब दोनों के बीच में लगने लगा फोर्स। अब क्या क्या होगा, इन्होंने किया क्या, यहाँ पे चार्जेस के मैग्नीट्यूड को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब चार्जेस के मैग्नीट्यूड को बढ़ाया तो फोर्स बढ़ गया, इसको भी बढ़ाया तो भी फोर्स बढ़ गया। इसका मतलब इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो भी यहाँ पे फोर्स होता है, कोलंबियन फोर्स होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 होता है। ठीक है। और फिर इन्होंने ये भी देखा, जैसे मान लो कि इनके बीच में जो गैप है वो स्मॉल r के बराबर है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट किया, इसके गैप को जब बढ़ाया तो देखा कि फोर्स घट रहा है, और इसके गैप को घटाया तो देखा कि फोर्स बढ़ रहा है। और बढ़ने का फैशन क्या था, वो इस तरीके का था, मतलब इसके जब गैप को दुगना करते थे तो फोर्स 1/4 से घट जाता था, 4 times घट जाता था। ठीक है, 3 गुना किया तो फोर्स, यदि दूरी बढ़ा रहे हैं, दोनों के बीच में गैप को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स घटेगा, तो 9 times घट जाता था। जब गैप को घटाते थे तो बढ़ जाता था, दुगुना घटाया ना तो फोर्स जो है वो 4 times बढ़ जाता था, 3 गुना घटाया ना तो फोर्स 9 times बढ़ जाता था। तो यहां से ये कंक्लूड किया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2 एज वेल एज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसी को बोल सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r². ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ लिखोगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब बाई 1 and 2 फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by r square। ऐसा आप M1 M2 by r square देख चुके हैं ग्रेविटेशन में या 9th class में, अभी तो ग्रेविटेशन इसमें पढ़े ही नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद ग्रेविटेशन ही पढ़ाएंगे हम आपको ये F, और आप समझ भी जाओगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद ग्रेविटेशन क्यों पढ़ाया जाता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं एक दूसरे के सेम ही हैं, सेम टाइप के ही हैं। तो यहाँ से जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कॉन्स्टेंट आता है, तो यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट आया ना भाई साहब, वो कांस्टेंट मीडियम डिपेंडेंट आ गया, और वो कांस्टेंट आया कितना, वो 1/4πε0 Q1 Q2 by r² आ गया। ठीक है। अब ये कांस्टेंट देखो बच्चे, ये कांस्टेंट आता कैसे है, साइंटिस्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि ये चार्ज बढ़ाओगे, Q1 बढ़ाओगे तो भी फोर्स बढ़ेगा, Q2 बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा, और ये r² मतलब कि r को यदि डबल करोगे, R को डबल करोगे तो फोर्स 4 times घट जाएगा, R को ट्रिपल करोगे तो फोर्स 9 times घट जाएगा, R को यदि हाफ करोगे तो फोर्स 4 times बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके का ये ऑब्जर्वेशन है, और इस ऑब्जर्वेशन से ये रिलेशन लिख लिया, और इस रिलेशन से ये भी रिलेशन आ गया। अब इसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो एक कॉन्स्टेंट आता है, इक्वल टू जब लगता है तो कॉन्स्टेंट आता है। तो ये कॉन्स्टेंट की जरूरत क्यों पड़ता है, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो कि x और y है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, ऐसा पता चल रहा है कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है, जैसे जैसे x घट रहा है वैसे वैसे y घट रहा है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लिया, जैसे 1 लिया तो y की वैल्यू 5 हो गई, 2 लिया, ये एक्सपेरिमेंट करके देखते जा रहे हैं, 2 लिया ये 10 हो गया, 3 लिया 15 हो गया, 4 लिया 20 हो गया। तो यहां से पता तो चल रहा है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है भाई, x जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है। लेकिन एग्जैक्टली क्या रिलेशन है, तो एग्जैक्टली लगाने के लिए यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन नहीं होगा, क्या होगा, इक्वल टू का साइन होगा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 into x। तो एक छोटे से एग्जाम्पल को लेकर के हमने आपको समझा दिया कि पहले आप डेटाज को देख करके ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, और वो रिलेशन x डायरेक्ट x के प्रोपोर्शनल है कि x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है कि रूट अंडर x के प्रोपोर्शनल है कि x का पावर 3/2 का प्रोपोर्शनल है, ये पता चल जाएगा आपको इस इन डेटाज को देख करके। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे उन्होंने किया क्या होगा कि Q1 का, Q2 का और R का और F का अलग से चार्ट बनाया होगा और उस चार्ट पे काम किया होगा, बहुत दिन लग गए होगा, हम लोग इतनी आसानी से 5 minutes के लेक्चर में पढ़ ले रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन इसको ढूंढने में, इस कॉन्स्टेंट को ढूंढने में इनको काफ़ी टाइम लगा होगा। जैसे एक हम छोटा सा डेटा लेकर के आपको हमने बता दिया कि यदि हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे कुछ भी है फिजिकल क्वांटिटी के रूप में, और ये कोई दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है, एक दूसरे पर ये डिपेंडेंट हैं, तो और जो वेरिएशन है, वेरिएशन का ये डेटा है, तो इस डेटा के हिसाब से इनके बीच में ये रिलेशन होगा। इसी तरीके से यहाँ भी ये बात पता चला कि जो एग्जैक्ट रिलेशन है वो 1/4πε0, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है इसके बारे में भी आपको मैं बता रहा हूँ, Q1 Q2 by r² है।
ये एयर में एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है। जो भी एक्सपेरिमेंट होता है वो जनरली किसमें होता है, एयर में ही होता है, एयर में या वैक्यूम में। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट क्या है इसको थोड़ा समझेंगे। वेयर एप्सिलॉन नोट इज, और ये जो है ना ये मैथमेटिकल मीनिंग सिर्फ समझा देते हैं बुक वाले, बहुत सारे टीचर्स के नोट्स भी देखोगे, इसको हम लोग फील करेंगे कि एप्सिलॉन नोट है क्या। इसका नाम होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मैं यहाँ पर लिखूंगा भी। एप्सिलॉन नोट है इलेक्ट्रिकल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर ही लिख लो, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर। तो इलेक्ट्रिक एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ऑफ एयर, और यही एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम, VACWM, ठीक है, वैक्यूम। ओके, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम को ही क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। और जो न्यूमेरिकली 8.85 × 10 का पावर -12 यूनिट होता है। थोड़ा देखो इसके यूनिट को थोड़ा यहाँ पे निकालेंगे, डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे। आप 11th में इतनी बातें जरूर सीखे होंगे। देखो दोस्त, 4 के पास कोई यूनिट नहीं है, पाई के पास भी कोई यूनिट नहीं है, एप्सिलॉन के पास यूनिट है। इसको उठा के यहाँ पे रख दो और फोर्स को लेके नीचे चले जाओ, ठीक है। इसको उठा के यहाँ रखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको नीचे लेके चले जाएंगे, ठीक है। अब क्यू क्या है, कूलम है। यदि क्यू क्या है, कूलम है, तो कूलम इंटू कूलम कूलम स्क्वायर हो गया, और ये फोर्स क्या है, न्यूटन है, और ये मीटर स्क्वायर। तो इस यहाँ पे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का क्या होगा, यूनिट होगा। इसका डायमेंशन भी निकालेंगे, अभी तो इस पर ब्रीफली डिस्कशन करेंगे कि होता क्या है, ठीक है। तो आप इतने को लिख सकते हैं, ये आप लिख लो एक बार, और इतना लिख करके अब हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। सीधा आते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को समझते हैं। देखो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है, जैसे नेचर का ये बेसिक रूल है, मतलब नेचर में कुछ भी चेंज होता है ना, उसका नेचर क्या करता है, अपोज करता है। तो जैसे दो चार्जेस आ रहे हैं, या फिर कोई चार्ज रखा हुआ है, अभी फील्ड के बाद बारे में बाद में बात करेंगे, अभी फोर्स पे हैं। तो दो चार्ज आया तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब फोर्स नेचर के पास पहले कुछ कुछ भी नहीं था, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा चीज आया है, एक नया चीज आया है, तो ये इसका अपोज करेगा। नेचर हर अपने चेंजेस का अपोज करता है। तो चार्ज की वजह से जो भी प्रॉपर्टी आता है सराउंडिंग में, वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है। जिस प्रॉपर्टी की वजह से कोई दूसरा चार्ज जब उस पर्टिकुलर रीजन में आता है, तो वो फोर्स फील करता है, सिस्टम की एनर्जी को प्रभावित करता है, उस सराउंडिंग पर्टिकुलर रीजन की एनर्जी को, एक पर्टिकुलर एनर्जी के अमाउंट को बदल देता है। उस पर्टिकुलर ढंग से सुनना, कोई चार्ज रखा हुआ है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड है। यदि कोई दूसरा चार्ज आता है, तो उस पर्टिकुलर रीजन में एक एक्स्ट्रा, एक नया फोर्स लाता है, एक नया फोर्स डेवलप हो जाता है, और सिस्टम के पास एक नई एनर्जी आ जाती है। मतलब कुछ तो चेंज फील कर पा रहे हो, अब इस चेंज का अपोज करता है। तो जो अपोज करेगा, उसका अलग अलग मीडियम का अलग अलग स्ट्रेंथ होगा। तो उस स्ट्रेंथ को, उस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के स्ट्रेंथ को, जो फिजिकल क्वांटिटी हमें बताता है, उसी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज नथिंग, इट गिव्स अस, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मीडियम, सॉरी, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ओके, इसी तरीके से जैसे लाइट, अभी आप पढ़ रहे हैं तो लाइट, एयर में लाइट का स्पीड कुछ और होता है, वाटर में लाइट का स्पीड कुछ और होता है, मीडियम ग्लास में लाइट का स्पीड कुछ और होता है। तो जैसे जैसे मीडियम बदलते हैं, वैसे वैसे लाइट का स्पीड क्या होता है, बदल जाता है। तो मीडियम के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है लाइट की स्पीड को बदलने की। तो उस स्पेशल प्रॉपर्टी को हम लोग ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, और उस ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में जो हमें इन्फॉर्म करता है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग म्यू बोलते हैं,
म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी मीडियम के ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो उसी तरीके से एप्सिलॉन परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, सॉरी मैटर नहीं मीडियम। ओके, ये पहला पॉइंट आपने लिख लिया, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मीडियम। नेक्स्ट, जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एप्सलन, जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एप्सलन, इसको एप्सलन बोलते हैं ना, एप्सलन। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम इज, ये वाला लिखना, ये वाला लिख लो फिर से। ओके, बोर तो नहीं हो रहे हो ना? नहीं, बोर नहीं होना है। अब तो क्लास तो है नहीं कि पर्सनल इंटरेक्शन से हम आपको समझा पाएंगे बातों को, यहाँ पर थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा और कंसंट्रेशन को मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट चलिए, हम लोग डायमेंशन निकालते हैं, एप्सिलॉन का डायमेंशन निकालेंगे। आपको मैं 2 मिनट देता हूँ, आप पहले निकालो, उसके बाद मैं आगे निकालूंगा। आया कुछ? ओके, वीडियो पॉज करके आपको निकालना है, निकाल करके मिला लेना है, मैं भी बना देता हूँ। देखो, एफ का वैक्यूम में फॉर्मूला आया है 4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से इसको इधर भेजते हैं तो 4πε0, यदि कोई जनरल मीडियम होगा तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन होगा, है ना। अभी वैक्यूम है या एयर है तो वहां पे एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन नॉट है। ओके, ये Q1 Q2 बाई एफ इंटू आर स्क्वायर। अब ये 4 यूनिट इसके पास है ही नहीं यूनिट डायमेंशन, पाई के पास भी यूनिट डायमेंशन नहीं है, इसके पास होगा तो मैं डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट लिखता हूँ। तो ये क्यू क्यू जो है वो कूलम है, ये भी क्या है? कूलम है। और ये फोर्स क्या होता है? न्यूटन होता है। और ये मीटर स्क्वायर, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम इंटू कूलम। कूलम को क्या लिख सकते हैं? पर ये मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से बता देता हूँ, आप 10th में पढ़े होंगे, जो बिहार बोर्ड से कन्वर्ट हो रहे हैं वो भी, और जो CBSE वाले हैं वो भी, ठीक है ना, सीवा बोर्ड वाले आप लोग भी पढ़े होंगे यदि वीडियो देख रहे होंगे तो ये क्यू बाई टी, तो सीवा बोर्ड मतलब आसामी बोर्ड, ये आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई इन टू टी। अब क्यू यहाँ पे आई की जगह पर क्या लिखेंगे? एम्पियर लिखेंगे भाई। क्यू को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोज थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम, ये पढ़े होंगे ना करेंट के बारे में, तो ये चार्ज को क्या लिख सकते हैं? करेंट इन टू टाइम। ओके, हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी पढ़े होंगे हिंदी में कि टोटल कुल आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। तो यहाँ पे विद्युत धारा क्या होगा? आवेश प्रति इकाई समय। तो यहाँ से आवेश क्या आ जाएगा? विद्युत धारा, और ये क्या है? समय है। तो विद्युत धारा या फिर इलेक्ट्रिक करंट, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, और टाइम का क्या होता है? सेकंड होता है। तो जहां जहां पे कूलम्ब है वहां वहां पे हम लोग बिना डरे एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं। यहां भी एम्पियर सेकंड लिखो, न्यूटन को खोलो, न्यूटन को क्या लिख सकते हो? न्यूटन होता क्या है? ये मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये फोर्स है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होगा? केजी होगा, और एक्सेलरेशन का क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर है, ये ऊपर कर दो तो एम्पियर स्क्वायर, एस का पावर 4, के जी मीटर क्यू, तो ये के जी का पावर -1 होगा, एम -3, ए 2 है, एस का पावर 4 है। तो यहाँ से
इसका डायमेंशन जो है, डायमेंशन को देखो क्या लिखोगे, आपको पता है कि केजी के लिए क्या यूज कर रहे हैं, एम यूज करते हैं। अब बहाने मत बनाओ कि मैंने डायमेंशन पढ़ा ही नहीं है, हो सकता है किसी किसी का शिकायत हो, लेकिन आप ये जरूर जानते होंगे कि केजी के लिए एम यूज करते हैं, मीटर के लिए एल यूज करते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ एम्पियर के लिए ए ही यूज करते हैं, सिंपली ए यूज करते हैं, ठीक है। और ये सेकंड के लिए तो टी यूज करते हैं, वो पता है। तो एम का -1, एल का -3, टी का +4 और ए का 2, ये है हमारा डायमेंशन। किसका, एप्सिलॉन का या फिर एप्सिलॉन नॉट का, एक ही होगा, ठीक है। जनरल मीडियम रहेगा तो एप्सिलॉन, और ये वैक्यूम या फिर एयर रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट, परफेक्ट। ओके, तो यहाँ से आप लिख लो, आपका आ गया होगा तो अच्छी बात है, और आ ही गया होगा, इसमें क्या दम है। ओके, जिनसे नहीं बना पहुँच करके इसको एक बार नोट में जरूर लिखाओ, इन बातों को भी जरूर लिखना, है ना, लिख के इसको अलग ही कर देना। चलिए आगे बढ़ता है। चले भाई, तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कुछ कुछ क्लियर हुआ है। अब देखो बच्चा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का यूज करते हैं, यहाँ लिखेंगे इन जनरल मीडियम, इन जनरल मीडियम जो फोर्स होगा, कोलंबियन फोर्स होगा, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, सीधा एप्सिलॉन नॉट है ना, Q1 Q2 / R2, ये रहा। इन वैक्यूम और एयर, इन एयर क्योंकि एयर में ही क्वेश्चन पूछेगा जनरली, वैक्यूम में भी पूछा जाएगा तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, दोनों में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 / R2। इसको जब इवेलुएट करोगे ना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है पाई 3.14 होता है ना, और ये 4 तो 4 ही है, इसको जब इवेलुएट करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो 8.9 × 10⁻¹ आता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 9 × 10⁹ लिख लेते हैं राउंड फिगर में, ठीक है। ये पूरे, और इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि के क्या होगा, 9 × 10⁹ होगा, ये पूरे को क्या बोल देते हैं, के बोल देते हैं बच्चा। तो इसका यूनिट तुमसे कोई पूछेगा तो इसको अलग कर लो, इसको ये कर लो, अलग कर लो, और इसको इधर लेके आओ तो F × R² मतलब ऊपर में क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर आ गया, और नीचे में कूलम इंटू कूलम कूलम स्क्वायर है, तो न्यूटन फोर्स के लिए आर स्क्वायर के लिए मीटर स्क्वायर, और कूलम इंटू कूलम के लिए कूलम स्क्वायर, परफेक्ट है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूनिट के रूप में, ये आपको जल्दीबाजी में करने आना चाहिए ये सब। न्यूटन कितना याद रखोगे भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, इसका भी डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं जैसे उसमें निकाला था, ठीक है। याद रखना एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन का और के का डायमेंशन यूनिट सेम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पूरे वो क्या बोल रहे हैं, के बोल रहे हैं, पक्का। ओके, अब एक चीज समझो, ये हो गया। अब आप एक चीज लिखो, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होता है, ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो बताता है कि किसी भी मीडियम का परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी से कितनी गुनी ज्यादा है या कितना गुना कम है। फिर से समझेंगे, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, आप हेडिंग अभी लगाओ, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो बताता है कि किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से कितनी गुनी ज़्यादा है या फिर कितनी गुना कम है। ओके, इसको एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैथमेटिकली बोल देते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ओके, तो इसी बात को आप लिखेंगे, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज, लिखो लिखो लिखना है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज, स्क्रीनशॉट मत लो, गलत बात है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज
रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कौन सा मीडियम, जिस मीडियम का आप रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जानना चाहते हैं। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाई एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन ये सेमी आर है ना, सेमी आर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज यूनिटलेस एंड डाइमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, इट इज यूनिटलेस एंड डाइमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। ये यूनिटलेस और डाइमेंशनलेस क्यों है, तो आप ये जवाब दे दोगे ना कि एक रेशियो है। नहीं, आपको ये बोलना चाहिए कि ये सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो है। एप्सिलॉन ऊपर में भी है, एप्सिलॉन नीचे में भी है, तो ऊपर का यूनिट नीचे का यूनिट आपस में बराबर है। ऐसे देखोगे मीटर पर सेकेंड, स्पीड, स्पीड भी तो एक रेशियो है डिस्टेंस का और टाइम का। तो रेशियो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस नहीं होता है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है किसी भी मीडियम का, किसी भी मीडियम का, किसी भी मीडियम मतलब उस मीडियम का जिस मीडियम का हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी जानना चाहते हैं। जैसे ग्लास है, ग्लास का रिलेटिव परमिटिविटी आप जानना चाहते हैं, ग्लास का रिलेटिव परमिटिविटी जानना चाहते हैं, तो आपको ग्लास का एब्सोल्यूट परमिटिविटी पता होना चाहिए और वैक्यूम का पता होना चाहिए। दोनों को डिवाइड कर दोगे, ग्लास का रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी निकल जाएगा, वाटर का तो वाटर का भी ऐसे ही निकालेंगे। ओके, चलिए तो यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ से आप ये लिख लो, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन, सिर्फ हम यहाँ से एप्सिलॉन इवेलुएट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं इसका एक्सप्रेशन, तो ये एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखना एक्सप्रेशन फॉर कोलंबियन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर कोलंबियन फोर्स लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट देकर के, एक्सप्रेशन फॉर कोलंबियन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर कोलंबियन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम। और उसके बाद आप इसको लिखो, ये 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। और आपको पता है भाई साहब, ये तो पहला एक्सप्रेशन हो गया, इसको भी आप बॉक्स के अंदर बंद करना। दूसरे एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, ये 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन नॉट और ये एप्सिलॉन आर लिख लेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है, क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब एक चीज समझो, ये 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को देख के किसी की याद आ रही है क्या, इस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को देख के की याद आ रही होगी, तो k को यहां पर लिख लेना है, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, और एक पहले से बचा हुआ एप्सिलॉन r उसको भी लिखना पड़ेगा, है ना। अब k q1 q2 बाई आर स्क्वायर को वैक्यूम में लगने वाला, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको भी बॉक्स में बंद कर सकते हो। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर को एफ ओ लिख दो, एफ नॉट लिख दो, एफ नॉट कहने का मतलब है वैक्यूम में लगने वाला फोर्स। ये दो चार्जेस जब सेम सेपरेशन के साथ वैक्यूम में रखे जाते तो ये फोर्स लगता, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ये दोनों चार्जेस सेम सेपरेशन को मेंटेन करते हुए वैक्यूम में अवेलेबल होते हैं, वैक्यूम में प्रेजेंट होते या एयर में प्रेजेंट होते, तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर का फोर्स झेल रहे होते, उसी को हमने एफ नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर। ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले ही हैं, यहां से एप्सिलॉन आर आ जाता है, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन वे फोर्स इन मीडियम।
ठीक है ओके। फिर से देख लो भाई, 1/4 pi epsilon किसी भी मीडियम में करना है, जिस मीडियम में जानना चाहते हैं उस मीडियम का हमें एप्सिलॉन यूज करना है, Q1 Q2 by R square। एप्सिलॉन को प्रीवियस डिस्कशन से एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं, अब ये 1/4 pi epsilon नॉट को K लिख सकते हैं, तो के Q1 Q2 by R square और ये एप्सिलॉन आर रहेगा। ये के Q1 Q2 by R square को एफ नॉट लिख सकते हैं, वैक्यूम में लगने वाला फोर्स अपॉन में एप्सिलॉन आर, यहाँ से एप्सिलॉन आर एफ नॉट अपॉन में एफ आ जाएगा, जिसको हमने एफ एम बोल दिया है। ठीक है, जैसे तुम्हें बोलेगा कि कुछ भी बोल सकता है कि एयर में या फिर वैक्यूम में 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और जैसे ही वो वाटर में गया तो 75 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो तुम्हें बताना है कि उस वाटर का रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होगा। तो फोर्स से भी आप निकाल सकते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, या फिर वैक्यूम में लगने वाला फोर्स दिया रहेगा कि जब दो चार्जेस को 2 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है तो कुछ फोर्स फील कर रहा है एयर में, और जब और ग्लास का इलेक्ट्रिकल परमिट रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी 0.2 है या 0.6 है, तो उसमें जब इस सेम सेपरेशन के साथ दोनों चार्जेस को रिप्लेस किया जाएगा तब फोर्स कितना लगेगा। तो वहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को यहाँ से ही आप बना सकते हैं। ठीक है, एयर का फोर्स दिया हुआ है, एप्सिलॉन आर आपको पता है, तो आप उस ग्लास में जो फोर्स लग रहा है वो आप इजीली यहाँ से इवेलुएट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके ओके, अब चलिए, अब यहां से इसको आप लिख लो एक बार पॉज करके। ओके भाई, अब देखो बच्चा, यहां भी ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, तो चार्ज की मैग्नीट्यूड से सिर्फ इसे मतलब होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में उतना ही फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, जितना प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा, और उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगा, क्योंकि सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, सिर्फ डायरेक्शन बदलता जाएगा। ओके, तो यहां पर मैं फाइनली लिखता हूं, मैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए यह फॉर्मूला सजेस्ट करूंगा आपको यूज करने के लिए, दरअसल आप ये निकालना चाहते हैं, तो के Q1 का भी मॉडुलस, Q2 का भी मॉडुलस अपॉन में R स्क्वायर, फोर्स आउटवर्ड या फिर इनवर्ड। ओके ठीक, ये यूज करना। चलिए छोटे छोटे प्रॉब्लम्स करते हैं, उसके पहले मैं आपको एक बात फील करा दूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में कोलंबियन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत तगड़े अमाउंट का लगता है, बहुत ज़्यादा होता है उसके रिस्पेक्ट में, और जब बहुत ज़्यादा होगा तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, एक नोट करके पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। एक नया टर्म हमने लाया, इसको मैं समझाता हूं कंजर्वेटिव क्या होता है। इज कंजर्वेटिव इन नेचर विच इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो के Q1 की जगह पर ई आएगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, Q2 की जगह पर भी ई आएगा अपॉन में आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में आर स्क्वायर, एफ ई अपॉन में एफ जी, ये आर स्क्वायर कटेगा ऊपर में के इंटू ई स्क्वायर अपॉन में नीचे में जी इंटू एम ई का स्क्वायर, अब यहां से 9 × 10⁻⁹ इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹ का स्क्वायर अपॉन में
6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11 इंटू 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 38। ठीक है, ओके, 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, और ये 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 62 हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पॉइंट से पॉइंट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट जाएगा। जिनको ये बात नहीं पता होगा, सिक्स वो ऐसे देखो, सिक्स इसको 1.6 को 16 अपॉन में 10 लिख सकते हैं, और ये 9.1 को 91 अपॉन में 10 लिख सकते हैं, 10 से 10 नहीं पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ से पॉइंट उड़ा दिया। हमने इतना आता होगा आपको, लेकिन पता नहीं, अब वीडियोस में मुझे पता नहीं चलता है, आप सामने बैठे होते हैं तो एक्सप्रेशन से पता चलता है किसको क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वीडियोस में थोड़ा ये सब पता नहीं चलता, इसलिए मैंने इस लेवल का बेसिक भी आपसे डिस्कस किया है। ओके, तो यहाँ से आएगा फाइनली 9 इंटू 16 इंटू 16 इंटू, अब इसका इसका ये जो इनके पावर ऐड होंगे बेस सेम है, तो 9 में माइनस 38 को जोड़ोगे तो ये माइनस ही होगा, है ना। चलो भाई थोड़ा यहाँ पे एक स्टेप और लिख देते हैं, माइनस 38 प्लस, जब पावर बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर ऐड हो जाता है, ये पढ़े होगे आप लोग छठी या सातवीं में। ये 91 इंटू 10 का पावर माइनस 11 प्लस माइनस ऑफ 62, यहां से 9 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 10 का पावर माइनस 29, 6.67 इंटू 91 इंटू 91 इंटू 10 का पावर, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस ये करोगे तो 10 का पावर माइनस ये 213 और ये 617, है ना। ओके, अब क्या करते हैं ना, ये 256 इंटू 9 अपॉन में 91 इंटू 91 इंटू 6.67 इंटू, ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो ये माइनस सॉरी ये 73 माइनस 29, ये आ जाएगा 256 इंटू 9, ये 91 इंटू 91 इंटू 6.67 इंटू 10 का पावर ये 4 और ये 52, ये 62 4 होगा, तो ये 10 का पावर 44 के आसपास है। अब इसको भी अभी सॉल्व करना बाकी है, इसको सॉल्व करोगे तब जाके एग्जैक्ट पता चलेगा कि यहाँ पे मतलब कि 10 का पावर 42 के आसपास ही आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 10 का पावर 42 के आसपास आएगा। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना एक बार, सॉल्व करके पता चलेगा तुम्हें ये 10 का पावर 42 के आसपास आएगा। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि जो इलेक्ट्रॉन, दो सेम चीज़ें हमने लिया था यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सेपरेशन भी सेम था, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो एक बात हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसिडर करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर देंगे, वो इसके सामने क्या है, इग्नोरेबल है। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ना, 10 का पावर 40 के आसपास आ गया, 10 का पावर 40 बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ओके, ठीक, इसको आप सॉल्व कर लेना, है ना, ये 10 का पावर 42 के आसपास यहाँ पे 4 point something कुछ ऐसा आता है। ओके, अब आप एक क्वेश्चन बनाओ, लिखो इफ 2 point charges आर प्लेस्ड इन एयर, इफ 2 point charges आर प्लेस्ड इन
एयर, एंड सेपरेशन बिटवीन बोथ इज 10 मीटर, एंड सेपरेशन बिटवीन बोथ इज 10 मीटर, देन फाइंड मिनिमम पॉसिबल फोर्स, देन फाइंड मिनिमम पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दिस टू पॉइंट चार्जेस, बिटवीन दिस टू पॉइंट चार्जेस। एक बार पॉज करके बना सकते हो, ऐसे मैं तुरंत से सॉल्यूशन दे दूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। देखो, अरे बोर तो नहीं हो रहे हो ना, बोर नहीं होना है भाई, कॉन्सेंट्रेशन को पिक पे रखना है, अभी क्लास है नहीं, क्लास नहीं है ना, कि आपसे थोड़ा डांट उठ करके या फिर बातचीत करके आपको एक्टिव रखा जाए, जगा के रखा जाए, अभी आपको खुद ही जग के रखना पड़ेगा, खुद को जगा के रखना पड़ेगा भाई। ये देखो, यहाँ पे Q1 है, Q2 है, और दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, 10 मीटर का है। अब जो फोर्स लगेगा ना, वो फोर्स लगेगा K Q1 Q2 / R2। अब K भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो फोर्स डिपेंड किस पे करेगा, Q1 और Q2 का प्रोडक्ट पे, इनके प्रोडक्ट्स, इनके इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू आ रहा है वो जब मिनिमम होगा ना, तो फोर्स भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो फॉर मिनिमम फोर्स Q1 इज इक्वल टू Q2, और ये किसके बराबर होना चाहिए। पहले तो देखो, सबसे पहली बार ये क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें लगेगा ये कुछ मिसिंग है, चार्ज का अमाउंट ही नहीं दिया गया है, लेकिन ये चार्ज के अमाउंट ना देकर के भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके बीच में मिनिमम फोर्स कितना होगा। तो मिनिमम फोर्स तब होगा जब Q1 और Q2 दोनों इंडिविजुअली अपने मिनिमम पॉसिबल अमाउंट को मेंटेन किए हुए होंगे। इसका मतलब कि इसका भी चार्ज का अमाउंट कितना होगा, 1.6 × 10⁻¹⁹, और इसके भी चार्ज का अमाउंट कितना होगा, 1.6 × 10⁻¹⁹, 1.6 × 10⁻¹⁹। थोड़ी जल्दीबाजी में कभी कभी बोल जाता हूँ, उसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा, मैं उस पर केयर करूँगा, उसको मैं धीरे धीरे बोलने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा एफ मिनिमम, वो कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻¹⁹ इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹ अपॉन में 10² अब भाई कैलकुलेशन आप करो, कैलकुलेशन आ रहे मेरे से मत कराओ, कैलकुलेशन आप करके देख लो ये कितना आएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है इतना मुझे पता है, ठीक। पॉज करके लिख लो, एक दो और बेसिक प्रॉब्लम देखेंगे। देखो, अब मैं लैंग्वेज कम और डायग्राम पे ज़्यादा वर्क करूँगा, डायग्राम दे दूंगा मैं, फोर्स आपसे निकलवाऊंगा। ये है, ये भी बेसिक लेवल प्रॉब्लम है, ये 20 कूलम है, और एक यहाँ पे -5 कूलम का चार्ज रख दिया गया है, ये ए है, बी है, सी है। फाइंड नेट फोर्स ऑन पॉइंट मास, पॉइंट चार्ज, सॉरी चार्ज बी। चलिए अभी पॉज करके आप ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज ए है 10 कूलम, यहाँ पर पॉइंट चार्ज बी है 20 कूलम, और यहाँ पर पॉइंट चार्ज है सी -5 कूलम। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में इसे फोर्स चेक करना है भाई, ठीक है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, पॉइंट चार्ज है भाई, पॉइंट चार्ज ध्यान रखना है, पॉइंट चार्ज। यहाँ पे बॉडी कैसा है, पॉइंट टाइप का है, ये पॉइंट चार्ज है, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये सिंगल पॉइंट चार्ज है, हाँ। तो ये रिपल्सन को F1 बोल लो,
और इस पॉजिटिव, ये भी निगेटिव चार्ज इसको छोड़ नहीं रहा होगा क्योंकि इसके करीब है, मतलब इसका इंट्रैक्शन में है, इंट्रैक्शन में है, तो इसकी वजह से भी इस पर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा, मतलब इसी डायरेक्शन में होगा। और हाँ एक चीज़ और, सॉरी यहाँ पर गैप दिया रहेगा, ये 10 मीटर है। कुछ लोग सोच भी रहे होंगे कि गैप सब ने छोड़ दिया है, हाँ गैप ले लो भाई 10 मीटर, और ये क्या है 5 मीटर, सही सोच रहे थे आप। ये F1 है, ये इन दोनों के बीच में रिपल्सन, ओके, और इन दोनों की वजह से इन दोनों के बीच में क्या है अट्रैक्शन है F2। तो F नेट क्या हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल वेक्टर है, तो F नेट हो जाएगा F1 प्लस F2, ठीक है, F1 प्लस F2, जहाँ पर वेयर F1 कितना होगा Q1 10, Q2 20 अपॉन में आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, एक जीरो से ये गया, ये गया, यहाँ से ये 2K आ गया, एंड F2 कितना होगा, आसान ही है बिल्कुल के, हाँ बेसिक लेवल प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमने बोला है मैग्नीट्यूड रखना है, प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है, -5 नहीं रखोगे, माइनस का हमने यूज कर लिया डायरेक्शन में, डायरेक्शन जानने में, अब फिर इस माइनस का यूज एक बार और करोगे तो माइनस और माइनस दो बार यूज करें तो प्लस का इफेक्ट देगा ना, तो इसीलिए एक बार माइनस का हमने यूज कर लिया, अब दोबारा यूज नहीं करेंगे। ये 5 है अपॉन में 5 का स्क्वायर, क्योंकि आर इन दोनों के बीच में गैप कितना है 5 है, तो यहाँ पे आर वो वाला यूज होगा और यहाँ पे आर ये वाला यूज हुआ था, एक 5 से 5 गया, ये 4, तो ये 4 के, ये 9 नहीं है 4 है ना, ये 4 है भाई 4। तो अब इन दोनों को जब रखोगे तो F नेट कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2 6K, और 6K के की जगह पे 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन, तो ये 9 6 54 इंटू 10 का पावर 9। आपको याद होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू होता है 10 के पावर के बगल वाला, ये जीरो से बड़ा, और ये कोशिश करते हैं कि 10 से ये छोटा है 10 से, है ना पॉइंट, तो इसको क्या लिखेंगे 4.1 से बड़ा, 1 पॉइंट समथिंग से बड़ा, ठीक है साइंटिफिक फॉर्म में 5.4 इंटू 10 का पावर 10, है ना, इतना न्यूटन आंसर, है ना, ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा सही होगा, ऑप्शन इसी के फॉर्म में दिया होगा, ये तो बचपन से सीखे हो गए, इसमें कोई टेंशन नहीं है, है ना, मैथ में ही आपको सिखाया गया होगा। ओके तो ये नेट फोर्स F1 प्लस F2, F1 की जगह पे ये, F2 की जगह पे ये, ओके देख लो थोड़ा मिला लेते हैं, इन दोनों के बीच में रिपल्सन F1, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन F2, F1 के लिए दोनों चार्जेस रिस्पॉन्सिबल हैं, तो K Q1 की जगह पे 10, Q2 की जगह पे 20, और गैप कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर सॉल्व किया 2K आ गया। अब F2 निकालने के लिए ये दोनों चार्जेस रिस्पॉन्सिबल हैं जिनके बीच में गैप 5 मीटर का है, तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर, एक 5 से एक 5 गया 5 हो गया, ये 4K हो गया, ये 6K हो गया, के की जगह पर 9 × 10 का पावर 9, 9 6, ठीक है 9 6 54, तो ये 54 × 10 का पावर 9, इसको 5.4, इसको जब सॉल्व करोगे ना दोस्तों यही मिलेगा, लेकिन लिखने का तरीका है उसको फॉलो कर रहे हैं हम लोग, क्लियर।